हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद अंजलि। आज हम बनाएंगे ढोकला इडली, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले एक बाउल में मैंने एक कप बेसन लिया है और इसको छान लेंगे। बेसन को अच्छे से छान लीजिए और अब हम इसमें डालेंगे सूजी। सूजी और बेसन दोनों को ही छान लेंगे। अब छानना ज़रूरी होता है, तभी आपका जो इडली है वो अच्छा सॉफ्ट बनेगा। अब हम इसमें हींग डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक डालिए आपके स्वाद के अनुसार, रेड चिली पाउडर और इसमें डालेंगे जिंजर का पेस्ट और आधा नींबू का रस। सबको डाल करके इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें दही डालेंगे। दही डालने के बाद इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, लम्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम कटा हुआ धनिया डालेंगे और फिर अब हम डालेंगे इसमें पानी। पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अभी इसको बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं है, बस इसको मिक्स करके आप इसको 5 मिनट रेस्ट करने के लिए रख दीजिए, क्योंकि सूजी जो है और पानी सोक करता है। तो 5 मिनट जब तक उधर इडली का बैटर हमारा रेस्ट कर रहा, हम इसी बीच में बर्तन को ग्रीस कर लेते हैं। इडली मोल्ड जो है हमारा ग्रीस करने के बाद ये 5 मिनट हो गया है, तो ये जो हमारा जो सूजी है पानी सोक कर लिए, इसमें और हम पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके एकदम स्मूथ बैटर बनाना है, इसका लम्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अब हम इसमें डालेंगे इनो, 2 टीस्पून हम इनो डालेंगे। इनो आप तभी डालिए जब आपका सब कुछ रेडी हो। इनो के पाउडर के ऊपर में आप पानी डालिए और पानी डालते ही इसको बस मिक्स करना है। बहुत हल्के हाथ से आप इसको फेंटें, बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं है बैटर को। जैसे ही उसमें बबल्स आने लगे इनो डालते ही बस उतना ही मिक्स करना है और उसके बाद तुरंत ही आप जो है ग्रीस किया हुआ मोल्ड में आप बैटर को डालें और पहले से ही आप उधर जो है स्टीमर को रेडी करके रख दें। तो बैटर डालते ही जो है इधर हमारा पानी भी जो है गर्म हो चुका है। हम अब इसको जो है इडली को स्टीम कराएंगे 10 से 12 मिनट हाई हीट पर। तो अब इसको ढक दीजिए और इसको 10 से 12 मिनट तक इसको स्टीम होने दीजिए। 10 से 12 मिनट हो गए, अब हम इसको चेक करेंगे कि इडली जो है पका है कि नहीं। तो टूथपिक डाल करके आप चेक कर लीजिए, अगर एकदम क्लीन निकलता है तो ये हमारा इडली जो है तैयार हो गया है, बन गया है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख दे और ऐसे ही नाइफ या स्पून की सहायता से आप इसको इसको डीमोल्ड कर लीजिए। ये मैंने यहाँ पर एक इडली जो है निकाल के देखिए कितना सॉफ्ट बना है, बिल्कुल स्पंजी और सॉफ्ट है। अब हम इसका छौंक लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे राई, जीरा। दोनों जब क्रैकल होने लगे तब हम इसमें डालेंगे करी लीफ, कटा हुआ ग्रीन चिली, हींग। हींग डालने के बाद इसको चला लीजिए और जरा पक जाए तो हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी डालने के बाद हम पानी डालेंगे और इसको 1-2 मिनट इसको सब अच्छे से आपस में पकने दीजिए, चीनी को अच्छे से उसमें मिक्स हो जाने दीजिए। फिर हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ती और ये जो हमारा जो छौंक है ये बन गया है, अच्छे से सब आपस में मिक्स हो गया है। 1-2 मिनट हो गया है, अब हीट ऑफ कर दीजिए। अब हम करेंगे इसका प्लेटिंग। तो मैंने यहाँ पे सब तैयार जो इडली है ढोकला इडली को मैंने ऐसे प्लेट में रखा है और इसके ऊपर से हम जो है छौंक को डालेंगे। ये सब मैं जो छौंक जो मैंने बनाया है इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ और साथ में मैंने ग्रीन चटनी या अपने मनपसंद जो सॉस होती है आप इसके साथ में आप इसको सर्व कर सकते हैं। अब बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बनते हैं। आप इसको जो अपने ब्रेकफास्ट में बनाएं या फिर बच्चों को टिफिन में दे, ये बहुत ही अच्छा बनता है। तो देखिए कितना सॉफ्ट और एकदम स्पंजी बना है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप भी इसे बनाएं और ट्राई करें और आपके जो फीडबैक है आप मेरे साथ में इसको शेयर कीजिए।